हेलो दोस्तों, हम आए थे न्यू अशोक नगर में, जहाँ पे दृश्य आई एस आया है सेक्टर 15 में, उससे लगभग 500 मीटर दूर। यहाँ पे एक पीजी है, हम इनसे मिलते हैं। इनका रेंट कितना है, फैसिलिटीज क्या क्या हैं और यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं देते हैं, तो इनसे मिलते हैं। ये भाई है इधर, ये आप कितने दिन से रह रहे हैं? मैं तो इधर हो गए भैया 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। अच्छा, आप लोकेशन बता दो पहले, अभी क्या लोकेशन? ये लोकेशन है भैया पिलर नंबर 165 के पास है। okay. यहाँ से अशोक नगर मेट्रो स्टेशन मुश्किल से 250 मीटर है। हाँ। और सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन 500 मीटर है। ओके okay. यहाँ का रेंट कितना होता है? यहाँ का भैया, जैसे अभी मैं रह रहा हूँ ट्रिपल सीटर पे। ओके okay. तो इसका जो रेंट है वो है 7000। 7000 रेंट है जी। हाँ। उसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, फैसिलिटीज बता दो। इसके अंदर मेरे को खाना मिल जाता है, मेल इंक्लूडेड है इसमें। ओके okay. मेल में रहता है कि मंडे टू फ्राइडे रहता है 2 टाइम ब्रेकफास्ट okay. और डिनर, और सैटरडे संडे रहता है 3 टाइम रहता है बस। और क्या क्या मिलता है, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, एसी, ये सब? हाँ, जैसे कई सारे रूम्स में एसी है, मेरा तो नॉन एसी वाला है। ओके। और बाकी कई रूम में एसी है, बस ये है कि साफ सफाई अच्छी रहती है और पानी सही मिलता है। साफ सफाई वाला करने आता है ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके। कूलर मिलता है और वॉशिंग मिलती है और जी हाँ। फ्रिज मिलता है। अब जैसे मेरा है तो विदाउट एसी वाला है, तो मेरे को यहाँ कूलर अलॉट किया गया है। ओके। अब जिस रूम में एसी है तो वहाँ एसी मिलता है। ठीक है। और कुछ स्पेशल फैसिलिटी यहाँ की? स्पेशल फैसिलिटीज यही है कि भैया इंटीरियर अच्छा है और साफ सफाई बढ़िया है, मेंटेन रहती है, हाइजीन का ख्याल रहता है। ये इनकी है पीजी, काफी अच्छा पीजी, आप देख सकते हो इधर एकदम फुल्ली फर्निश्ड है। और ये सब रूम है इनके, खाली रूम है। इसमें 3 सीटर भी है, 2 सीटर भी है। ठीक है। और हम इनसे बात करेंगे। ये आज ही दृष्टि आई से शिफ्ट हुए हैं आसिफ खान, और इनका बैच है 36। आप इधर आ जाइए, ये इस रूम में शिफ्ट हुए हैं। तो आप बताओ, आप एक बार बैग दिखा दो अपना। आप दृष्टि आई एस है कि नहीं, लोग यकीन नहीं करते। ये दृष्टि आई एस है, ये आज ही शिफ्ट हुए हैं, इनका नाम है आसिफ। तो बताइए एंट्री है इन्होंने। मैं आज ही शिफ्ट हुआ यहाँ पे, अभी तक मेरे सामान नीचे ही पड़ी हुई है, अभी शिफ्ट ही हो रहा हूँ। मैंने शुरू में दिखाया, मैं अभी शिफ्ट ही हो रहा हूँ। मेरा रेंट लिया है इन्होंने 8000, मेरा डबल शेयरिंग है। डबल शेयरिंग में, उसमें एसी वाला है ना? हाँ, एसी वाला है। okay. नहीं, विदाउट एसी वाला, मेरी विदाउट एसी वाली है। डबल शेयरिंग है, मुझे कूलर मिलेगा। मुझे कूलर मिलेगा और पंखा है, और रूम सफाई वगैरह जो है वो। मतलब ये है कि अगर आप 2 सीटर में रहते हो तो आपको 8000 देने पड़ेंगे, और आप 3 सीटर में रहते हो आपको 7000 देना पड़ेगा जी। आगे ब्रोकरेज नहीं लग रहा है, सिक्योरिटी भी बहुत कम है, और बस सही। और ये लोकेशन आपको इजी रहेगा? हाँ, ये है अशोक नगर मेट्रो स्टेशन से मैक्सिमम 200 मीटर के दूरी पे होगा। ओके। उनकी पिलर मेट्रो पिलर 165 के पास। आप एक बार रूम दिखा दो पीछे हट के। ये रूम है, ये 2 बेड हैं इसमें, और इधर ये कपड़े रखने की है, और उधर एसी लगी है, और यहाँ पे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, और टॉयलेट बाथरूम है ये अटैच है इसमें। इधर छोटा सा किचन भी है। ठीक है। और यही है बस। और ये आज ही शिफ्ट हुए हैं दृष्टि आई एस से ही है। कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ बहुत ज़्यादा रेंट है, सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भाई आज शिफ्ट हुए हैं, ये 8000 में शिफ्ट हुए हैं। 8000 में सब कुछ है, इनका खाना भी है सब। हालांकि अगर आप उधर रहते थे मुखर्जी नगर नेहरू विहार में, तो वहाँ पे 5000 का रूम होता था, अभी शेयरिंग रूम होता था इधर, और जोड़ लें उसमें 3500 रुपये खाने के, तो पड़ते थे 8500, जो कि सेम टू सेम लगभग लगभग उतना ही पड़ रहे हैं, कम ही पड़ रहे हैं इधर। तो ऐसा कुछ नहीं है, इधर भी रूम सस्ते ही हैं लगभग उसी तरह ही। तो ठीक है भाई, अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है, थैंक यू भाई।